एबीपीएस न्यूज गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक बिलारी में स्थित बेरनी गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। लगभग 7000 की आबादी व 2400 वोटरों द्वारा श्याम कली को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 700 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो जूनियर व प्राइमरी पाठशाला में लगभग 300 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप भी लगे हुए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइट भी लगाई गई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 8 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पंचायत घर, कर्मशाला की बाउंड्री, आंगनवाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 45 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 300 इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। जोगंदर सिंह, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम बेरनी से। और ये रास्ता जो पहले से बहुत कीचड़ था, इसमें अब जो हमारे प्रधान जी मलखान श्याम कली जी जो हैं, उन्होंने इस खरंजा के लिए अच्छी तरह से मिट्टी डलवाई है। काफ़ी गहरा था पहले से ये, और अब जो इस पर सीसी बिछवा दिए और बिछवा दिए थोड़ी सी दोनों तरफ ये बिछवा दिए। हमारे प्रधान जी जो है सही काम कर रहे हैं और गाँव में भी विकास कार्य चल रहा है। मैं ग्राम प्रधानपति, ग्राम पंचायत बेरनी, तहसील चंदोसी, जिला संभल, ब्लॉक बिलारी हंसी। मेरे जो ग्राम निधि में जो पैसा आया था, पूर्ण रूप से उसका विकास किया है मैंने। सीसी टाइल्स बिछवाई हैं, सोलर लाइट लगवाई हैं और स्कूल जूनियर व प्राइमरी में शौचालय, बाउंड्री मरम्मत कराई और कुछ रहेगी वो करा रहा हूँ। और मेरे गांव में 5 आवास मिले हैं, जबकि मेरे गाँव की आबादी अच्छी खासी है और मुझे कम से कम 40-50 आवास की ज़रूरत है। और शौचालय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे गांव में 300-400 शौचालय की ज़रूरत है और लोग बाहर शौचालय जाते हैं और कहते हैं कि सभी गांव में शौचालय बनना है, तुम्हारे क्यों नहीं बनना। और मैं अपील करता हूं राज्य सरकार व केंद्र सरकार से कि वो हमारे गांव में जो विकास कार्य पड़े हैं, जिला पंचायत घर, बारात घर और काफ़ी काम है ऐसे, उनको करवाने की ज़रूरत है। और मैं अपील करता हूँ कि शायद मेरी बात सुन रहे होंगे या सुनेंगे तो मेरी बात पर ज़रा ध्यान देंगे।